नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थकास्ट टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में खुलेगा एनआईए का ऑफिस। चंडीगढ़ नगर निगम में स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर लगी पाबंदी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 36 सदस्य कमेटी गठित की। हरियाणा से चंडीगढ़ पंजाब का सफर हुआ महंगा। 8 लाख की जाली करेंसी के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी किताब से लाएंगे राजनीति में भूचाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। शिमला में 100 फीट गहरी खाई में गिरा आर्मी का ट्रक। अब दिल्ली में QR कोड के जरिए होगी महिलाओं की सुरक्षा। दिल्ली में CCTV कैमरे समय पर ना लगने पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को देना होगा 16 करोड़ जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शाखा खुलेगी। यहां पर NIA का ऑफिस खोलने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है। मालूम हो कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी गंभीर और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करती है। अभी तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी कोई NIA का ऑफिस नहीं है। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में कार्यालय खोलने के लिए NIA ने नगर निगम कमिश्नर KK यादव को पत्र लिखकर ऑफिस स्पेस अलॉट करने की मांग की है। नगर निगम कमिश्नर ने भविष्य में होने वाली सभी स्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर पाबंदी लगा दी है। कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती करने का पिछले दिन फैसला लिया गया था, लेकिन अब उनकी भर्ती नहीं होगी, उस पर भी पाबंदी लगा दी है। सभी आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की कमिश्नर ने डिटेल मांगी है। मालूम हो मैं नगर निगम कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। कमिश्नर ने अन्य अधिकारियों को दी हुई पावर भी वापस ले ली है, जिसके तहत आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों के ठेके का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की महापरिवर्तन रैली में की गई घोषणा के अनुरूप कमेटी का गठन कर दिया है। हुड्डा का कहना है कि कमेटी जो फैसला लेगी वह उसका पालन करेंगे। हुड्डा के इस कदम से माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस से अलग अपनी राजनीति की राह कर ली है और कदम बढ़ा दिया है। हुड्डा की ओर से इस कमेटी का ऐलान शुक्रवार देर शाम की गई। हरियाणा से चंडीगढ़ और पंजाब तक बस से यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर है। हरियाणा रोडवेज ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। यह किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। इसमें 5 रुपये से लेकर 12 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी शुक्रवार से रोडवेज ने लागू कर दी है। जिला अमृतसर के तरन तरन में जाली करेंसी का बड़ा मामला सामने आया है। गुरुद्वारा टक्कर साहिब के पास नाकाबंदी के दौरान थाना सिटी की पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 तस्करों को काबू करके 8 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की है। आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपितों से जाली करेंसी तैयार करने वाला प्रिंटर भी बरामद हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के काले दौर के बड़े और अब तक अनजान रहे राज खोलेंगे। वह इस दौरान हुई घटनाओं पर किताब लिखेंगे। इसमें जरनैल सिंह भिंडरांवाला के समय से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या तक की घटनाओं का जिक्र होगा। किताब में शामिल करने वाली सामग्री और घटनाक्रम का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कैप्टन ने अपनी नई पुस्तक के बारे में मीडिया से जानकारी भी साझा की है। इस किताब के सामने आने से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ सकता है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। राज्य सरकार अगले 10 दिनों के भीतर स्कूलों में PGT टीचरों के 354 पदों को भरने जा रही है। प्रमोशन से यह भर्ती होगी। इतने ही पद सीधी भर्ती से भी भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पदों को भरने का मामला राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा है। नियमों को लेकर कुछ विवाद था, जिसे अब दूर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा पूछे सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।
थियोक के पास आर्मी का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक में सवार एक जवान की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग और आर्मी के जवान मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे जवानों को निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ट्रक में सवार 18 महार यूनिट के जवान अम्बाला से झाकड़ी की ओर आ रहे थे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन के सभी साधनों को हिम्मत ऐप प्लस के QR कोड से जोड़ दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अजमेरी गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को QR कोड स्कीम का उद्घाटन किया। रोजाना मेट्रो और अन्य साधनों से लाखों करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। 2015 में शुरू हुई हिम्मत ऐप के यूजर केवल 40,000 थे लेकिन अब इस ऐप को अपग्रेड किया गया है जिससे इसके यूजर 90,000 हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर महिला को यह ऐप डाउनलोड करना चाहिए ताकि वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। CCTV कैमरे लगाने की सुस्त रफ्तार के लिए दिल्ली सरकार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर 16 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाने की तैयारी में है। इसलिए दिल्ली सरकार CCTV लगाने के प्रोजेक्ट की कुल लागत 320 करोड़ के 5% यानी 16 करोड़ रुपए पेनल्टी लगाने की तैयारी कर चुकी है। BEL को पिछले साल नवंबर में दिल्ली में 1,40,000 CCTV कैमरे लगाने का PWD से ठेका मिला था। वो सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने पर इस साल फरवरी में कैमरे लगने का काम शुरू होना था और नवंबर में यह काम खत्म होना है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।